कप तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, वर्ल्ड कप भी बहुत जरूरी है, उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसके हमें देखना पड़ेगा। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ गलतियाँ करते हैं। अगर आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में देखते हैं तो बैटिंग में जो है एलडी और हमने विकेट बहुत ज़्यादा जाए, क्योंकि अगर आप के मिडिल ऑर्डर जो है वो नई बॉल पर चले जाएंगे तो वो स्ट्रगल जो है वो मुश्किल ही रहेगा। यहाँ पर लाइफ में बैटिंग जो है वो ईजी नहीं होती, लेकिन ये हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी विकेट जल्दी ना गिरे, उसके हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा बॉलिंग में हमें विकेट लेनी पड़ेगी एलडी वन, और उसके अलावा मिडिल पार्ट में जो हमारी पाकिस्तान टीम का सक्सेस रहा है कि मिडिल्स में जो है वो विकेट ली जाए, तो वो इस टूर्नामेंट में मिसिंग रहेंगे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी नज़र नहीं आएंगी टीम की। बात भी बिल्कुल हमारे लिए बहुत अलार्म बेल है कि जब वो टीम को अचानक क्या हुआ, क्योंकि पिछले अगर एक साल से आप बात करें तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का एक पहला मैच था जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से हमने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, बॉलिंग भी उसके खिलाफ कह सकते हैं। न्यूजीलैंड में भी हमारी एक्सेट हम हारे लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एज अ कैप्टन जो है वो अलार्म बेल है कि ये सारी चीज़ें इस तरह क्या हुआ कि इतने मिस फील्डिंग हुई है, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं हुई, चीज़ को हमें बैठ के देखना पड़ेगा। और आई थिंक काफ़ी कोचेज ने सब चीज़ें देखी हैं तो उसको बैठ के डिसाइड करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नहीं देखें बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं और भी मौजूद हैं उसके अलावा, लेकिन बात यह है कि इस टीम में अभी भी मैं समझता हूँ कि ठीक है हमने एज अ टीम जो है वो अच्छा नहीं खेला, लेकिन इस टीम में काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको अभी समझाने की जरूरत है। अभी ऐसे प्लेयर्स अगर आप फ़खर जमान की बात करते हैं, ठीक है वो एक साल से रेगुलर खेले लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके टीम में, लेकिन हमें उनको बैक करना पड़ेगा। बाबर आजम है, इमाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उसके अलावा शादाब है, हसन है, तो ये लड़के हैं आपको इनको लेकर चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बेंच पे कौन से लड़के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली सबको मौका जरूर मिलेगा और सचिन कमेटी ने एक पूरा पूल बनाया हुआ है तो उसमें लड़के जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे और वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बन जाएगी। देखें चेंजेस तो बिल्कुल होंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जो गलतियाँ की हैं एज अ टीम जो है एज अ कैप्टन, इस चीज़ को मैं भी तस्लीम करता हूँ कि मेरी खुद एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और टीम की हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन पैनिक बटन बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़के हैं आपको इनको बैक करना पड़ेगा। हाँ ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लड़का किस पोजीशन के लिए सूटेबल है, कौन से लड़के ऐसे हैं जो कि बाहर पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है टीम हारी है इस चीज़ को हम लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन पैनिक बटन ना बताएं। जो लड़के अभी टीम में हैं उनको बैक करें और जो लड़के आएंगे उनको जितनी सपोर्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने बताया ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है जिसकी वजह से टीम हार गई, मुझे परफॉर्म करना चाहिए था तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी वजह से टीम हारी है, तो इस चीज़ को मैं तस्लीम कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि एज अ कैप्टन मुझे अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, एज अ कैप्टन मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की जिसकी वजह से मेरी टीम हार गई। पाकिस्तान टीम में बतौर कप्तान आपकी पिछले 15 मैचेस मेरे भाई मेरा काम नहीं है, सेशन कमेटी का काम है, पीसीबी का काम है, तो इनको डिसाइड करने दें उनको क्या करना है। आपके पास सेशन है तो आप सेशन कमेटी को दे दें तो उस पर देखने में जो इनको करना है। तो मेरे भाई मैंने बता तो दिया कि आपको जवाब मिल तो गया कि सेशन कमेटी का काम है, मेरा काम थोड़ी, मेरा काम खेल है, मैं खेल रहा हूँ और खेलता रहा। नहीं नहीं गुस्से में नहीं हूँ, आप आराम से सवाल करें। चारों ओवर साबित कर दिया कि मैच्योर प्लेयर ही बड़े इवेंट के अहम होते हैं।
तो ये जो सीनियर खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर से करने का सिलसिला है, आप इस पर हेड कोच की मनमर्जी पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हेड कोच कोई मनमर्जी कर रहा है। अगर आप देखें, अगर आप इस टीम की बात करते हैं, पहले की बात नहीं करता, अगर आप 2017 से बात करते हैं वेस्ट इंडीज सीधे जब से मैं कैप्टन बना, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सीनियर प्लेयर। देखें, हफीज भाई और शुएब भाई थे, इसके अलावा और कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं था। हफीज भाई पिछले टूर पर अगर आप बात करें वो टीम का पार्ट थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली उनकी पहली प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही थी, तो जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो भी अगर हफीज भाई की बात करते हैं आप, तो हफीज भाई सीनियर साइड लाइन बिल्कुल नहीं है। और जुनैद खान की आपने बात की, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि वो साइड लाइन। अगर आप देखें तो 2017 से जब से वो टीम में है वो रेगुलर टीम का मेंबर है, मैचेस खेलता हुआ है। सिर्फ उसने एक सीरीज मिस की है जो कि न्यूजीलैंड वाली, जिसमें वो अनफिट हो गया था। अगर आप देखें प्रेशर तो आप ऑब्वियसली आपको पता नहीं कप्तानी का, तो वैसे ही प्रेशर होता है एज अ पाकिस्तानी कैप्टन, कोई भी कैप्टन और प्रेशर होता है। और वैसे जब आप परफॉर्म नहीं करते और आपकी टीम भी हारी है तो प्रेशर बिल्कुल होता है। और हकीकत बात यही है कि अब मैं बोलूँ कि मैं 6 दिन से नहीं सोया तो कोई मानेगा, लेकिन ये तो लाइफ का हिस्सा है, अभी चलता रहता है। लेकिन मैं पहले ही बोलूँ कि पैनिक बटन बताने के बेजे बोलते हैं, ठीक है एक दो चेंजेस होती हैं जब आपकी टीम हारती है, बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन लड़के आपके पास नहीं है और आप कोशिश करेंगे 2-3 प्लेयर्स और डोमेस्टिक से जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप एक टीम में मौका दें। अगर आप सेलेक्शन कमेटी समझती है कि उनको पाकिस्तान टीम में ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए, लेकिन आपके पास लड़के नहीं हैं, आपको इन्हीं लड़कों को बैक करना पड़ेगा। फखर जमान है, माहौल अपने आज को अपने परफॉर्मेंस साबित किया कि वो एक अच्छा प्लेयर है। बाबर आजम है, शुएब मलिक हैं, हसन अली हैं, शदाब हैं, जुनैद खान है, शाहिन शाह उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। देखें लड़के आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी इन लड़कों ने अगर आप देखें बोला तो उनके 20-20 मैच ही हैं, 20 मैच हैं। आज शाहिन शाह के 3 मैच हैं, शदाब के 20 मैच हैं, बाबर के 40 मैच हैं, इमाम के 8 मैच, सिर्फ शुएब भाई के मैच 250 हैं, मेरे मैच 80 हैं या आमिर के मैच 50 होंगे। अदरवाइज जितने भी लड़के हैं वो सब 20-20, 25-25 मैच खेले हैं, तो हमें इनको बैक करना पड़ेगा और पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, अगर टीम हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, चीज़ को हम तस्लीम करते हैं। जी सर, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फखर ने परफॉर्म किया, दूसरी सीरीज जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी उसमें परफॉर्मेंस दी, आप फखर ने इस सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, आपने कहा कि उनको मौका देना चाहिए, ये वही लड़के हैं, क्योंकि अब सलमान भट्ट जो थे आदर भी उसी स्पॉट फिक्सिंग का हिस्सा थे, सलमान भट्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, इमरान अकबर परफॉर्म कर रहे हैं, शजीर खान जो थे वो ओपनर हैं, तो क्या समझते हैं इनकी वापसी आपकी मुशावरत से होती है सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो क्या कितना कितनी हद तक समझते हैं इनकी वापसी होगी? 5-6 सवाल हुआ था सारे प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और जहाँ तक रही बात कि किसको टीम में लाना है और किसको स्पॉट में लेकर, उस बारे में मैं कहना मैं कुछ कह सकता हूँ नहीं, मेरा डोमेन है कहने का। बात देखिए, जितने भी लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सब टीम में आने के लिए रेडी हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी और टीम में जिसकी जगह बनेगी वो टीम में जरूर शामिल होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद हैं, और ये पाकिस्तान टीम सबकी है जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। सरफराज, हम देख रहे हैं कि पहले 4 प्रॉपर बैट्समैन आते हैं, उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, क्या समझते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर जो हैं वो टीम में ज़्यादा आ गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर से कमी दिखाई दे रही है आपको टीम में? हाँ देखिए, अभी अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो अगर आप हर चीज़ देखें तो हमारी बैटिंग, हमें ऐसा लगता है कि हमें शॉर्ट खेली, शुरू में हमने कोशिश की कि हारिस वेल को भी इंडिया किया जाए कि बैटिंग ऑलराउंडर के थ्रू जाए, लेकिन वो हमें सूट नहीं किया क्योंकि हमें बीच में विकेट चाहिए थी, तो इस वजह से हमने नवाज को और शदाब को खिलाया कि जो मिडिल्स किया हुआ उसमें हमें विकेट मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रही हमारी टीम में, एशिया कप जो है पूरा जो है हमारी टीम के लिए अच्छा बिल्कुल साबित नहीं हुआ। देखिए बॉलिंग में जो अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में रोटेशन इसी वजह से हम 6 बॉलर लेके आए थे, क्योंकि वेदर आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो सबको मौका मिला है, किसी को एक मैच मिला, लेकिन हमने कोशिश की कि जो बेस्ट पॉसिबल बॉलर टीम के लिए फिर साबित हो रहा हो, जो विकेट ले रहा हो उसी को खिलाएं, तो मैं शफलिंग का नहीं है। लेकिन अगर बैटिंग की बात करते हैं तो एक ही बैटिंग खेली है तो बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग का पैसा मतलब ज़्यादा फॉल्ट की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा।